नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपको अपने YouTube चैनल गार्डन डायरीज पर। तो दोस्तों ये देखिए मेरा अडेनियम का प्लांट है और इस प्लांट को जो है मैं करीब 2 साल पहले लाई थी और अब इस प्लांट पर जो है बहुत अच्छे तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए इस पर कितनी सुंदर सुंदर ये बर्ड्स बन रही हैं और फ्लावरिंग हो रही। तो इस प्लांट के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैंने अपने इस प्लांट के साथ किया है वही मैं आपके सबको बताती हूँ। तो जब मैं इस प्लांट को लाई थी तो मैं इसको बहुत छोटा सा ख़रीद के एक छोटे से पॉट में लाई थी, नर्सरी का पॉट होता है उसमें लाई थी। उसके बाद 1 साल इस उसी पॉट में ये लगा रहा, उसके बाद इसको मैंने दूसरे पॉट में इसको ट्रांसप्लांट किया। तो इसका जो पॉट होता है वो छोटा ही रहे तो बहुत अच्छा होता है और इसके लिए हमें मिट्टी वेल ड्रेन बनानी चाहिए जिसमें कि बालू की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और उसमें आप थोड़ा सा आप जो कोयला होता है उसको भी आप मिट्टी के अंदर मिला। तो मैंने अपने इस प्लांट में गार्डन की सॉइल और कोयला और बालू को मिलाया था। उसके बाद मैंने इसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया और मैंने अपने इस प्लांट को सिर्फ धूप में रखा, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो लेकिन हमें अपने इस प्लांट को जो है धूप में ही रखना है। धूप में रखने से क्या होता है कि ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो अभी देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है उतना अच्छा ये कैमरे में नहीं आया है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए इस पर ये कितना अच्छा इस पर ये कलर है और इसके जो फ्लावर हैं वो भी बहुत बड़े बड़े साइज़ में आए हैं। तो पहले साल में तो भी बहुत कम फ्लावर आए थे लेकिन ये अब दूसरे साल में इसमें बहुत अच्छे तरीके से फ्लावरिंग हुई और इसकी मैंने कोई भी प्रूनिंग इस बार नहीं की है और ये इसी तरीके से मैंने लगा कर रखा है। तो मेरे पास अडेनियम के कुल 2 प्लांट हैं और इन प्लांट को मैं हर हफ्ते जो है गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। और ये देखिए आप इसका कॉडेक्स कितना मोटा हो गया है और अभी मैं इसको बिल्कुल भी ट्रांसप्लांट नहीं करूँगी और ये अभी इस महीने में ये फूल देगा, उसके बाद ये हमारे यहाँ मई जून में ये फूल नहीं देता है, उसके बाद ये बरसात में फिर से फ्लावरिंग करेगा। तो देखिए आप इसकी मिट्टी में आपको ये रेत नज़र आ रही होगी और ये छोटे छोटे से कोयले के टुकड़े भी इस पर पड़े हुए हैं। तो आप अपने इस प्लांट में कोयले के जो छोटे छोटे से पीसेस होते हैं उनको ज़रूर डालिए। तो यही सब मैंने अपने प्लांट के साथ करा है और इसको धूप में रखिए, इसको पानी भी बराबर मात्रा में दीजिए क्योंकि कहते हैं अडेनियम में पानी नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं अपने इस प्लांट में दोनों समय पानी देती हूँ। तो यही मैंने अपने प्लांट की केयर करी है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।